आगरा का ताज खेमा 8 दिसंबर को निर्यापक मुनि पुंगल श्री सुधा सागर जी महाराज की गर्जना से गूंजेगा। ताज को टक्कर देने वाले लोकोदय तीर्थ के निर्माण की प्रेरणा देने के बाद मुनि श्री ताज के साय में पहली बार अपने भक्तों को संबोधित करेंगे। गुरुवर के आने से पहले जैन फोकस टीम ने ताज खेमा प्रांगण में पहुँच आयोजन की गतिविधियों और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। तो आइए देखते हैं एंकर अंजलि जैन के साथ ताज खेमा की व्यवस्थाओं को। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि। आज हम मौजूद हैं ताज खेमा। ये वही जगह है जहां पर 8 दिसंबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की वाणी खिरने वाली है। जी हां, आगरा में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग का चातुर्मास हुआ। गुरुवर के चातुर्मास में एक से बढ़कर एक इतिहास रचते नजर आए और अब आगरा के इतिहास में पहली बार ताज के साय में मुनिश्री की दिव्य वाणी यहाँ खिरने वाली है। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ताजमहल की चमक 2 दिन के लिए फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के सरताज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जो आने वाले हैं। शहर के ही नहीं, देश भर के गुरु भक्त गुरुदेव के दिव्य समवशरण में सहभागिता करने के लिए लालायित है। इसके लिए यहाँ जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल यानी 8 दिसंबर को यहाँ हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ेगा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शेर यानी निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की गर्जना से ये पूरा प्रांगण गुंजायमान हो जाएगा। दिसंबर को कमला नगर से विहार कर मुनि पुंगव श्री ससंग का आगमन ताजगंज में हो चुका है। क्षेत्र में गुरुवर के पदार्पण से भक्तों में भारी उत्साह है और हो भी क्यों ना, आगरा में ताजमहल को टक्कर देने के लिए लोकोदय तीर्थ के निर्माण की प्रेरणा आगरा वासियों को देने के बाद मुनि श्री ताज के साये में ही अपने भक्तों को संबोधित जो करने वाले हैं।